किसान भाइयों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की खेती के बारे में। जी हां, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसबगोल की शुरुआत से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, मेरे आपसे एक राय है, वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम संपूर्ण भारत में इसबगोल की सबसे ज़्यादा खेती होने वाले राज्य के नाम अगर देखें तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में हमें इसबगोल की खेती सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। किसान भाइयों, इसबगोल के औषधि जो गुण है उसके बारे में भी आपको जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक एडिशनल आपको जानकारी दे देता हूँ कि इसबगोल जो है उसका उपयोग कब्ज, दस्त, आव, पेचिस, अल्सर, बवासीर ऐसे घातक बीमारियों के उपचार में किया जाता है। साथ ही अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो आइसक्रीम, रंग रोगन और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इसबगोल का उपयोग हमें दिखाई देता है। आगे बढ़कर हम इसबगोल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु के बारे में अगर देखें तो इसबगोल जो खेती है वो ठंडे और शुष्क वातावरण में की जाती है, लेकिन इसके पकने के समय यानी आखिरी अवस्था में खुला और शुष्क हवामान होना आवश्यक है, क्योंकि उस समय अगर ज़्यादा आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी हो जाती है, बारिश की संभावना होती है तो अपने फसल के ऊपर विपरीत परिणाम होने की भी संभावना होती है। इसबगोल की खेती के लिए उचित मिट्टी अगर देखें तो बोलाई दोमट मिट्टी जो होती है तो काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है इसबगोल की बुआई करने के लिए। किसान भाइयों, जिस मिट्टी में पानी धारण क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो, साथ ही जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, वैसी मिट्टी अगर आपके पास है तो उसमें इसबगोल की खेती बहुत ही अच्छे तरह से आप कर सकते हो। खासकर देखें तो अच्छी उपजाऊ ज़मीन जो भुरभुरी ज़मीन है वो इसबगोल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसबगोल खेती के बुआई का सही समय अगर हम देखें तो अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने के अंतराल में इसबगोल की खेती यानी बुआई की जाती है। अगर इससे पहले हम बुआई करते हैं तो आपके फसल के ऊपर कीट और रोग ज़्यादा आने के चांसेस है। अगर लेट बुआई करते हो तो किसान भाइयों, विपरीत वातावरण की वजह से आपका जो उत्पादन है, आपकी जो उपज है वो कम होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। काफ़ी सारे किसान हमें ये भी पूछते हैं कि इसबगोल खेती करने के लिए मार्केट में कौन सी बेस्ट उन्नत किस्में हैं। किस्मों के नाम बताएं तो किंग 18 वेस्टर्न बायो वेजिटेबल सीड्स की वैरायटी है, दूसरे नंबर पे आती है सम्राट निशान सीरीज की वैरायटी है, तीसरे नंबर पे आती है सन मोती सन सीरीज की वैरायटी है, चौथे नंबर पे आती है ऋतुप्रिया जो कि इंडो यूएस बायोटेक की वैरायटी है। इन चारों में से आप किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हो, उपज बेहतर मिलेगी। बात करते हैं बीज दर और बीज उपचार की। एक एकड़ खेती की बुआई के लिए किसान भाइयों आपको लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम इसबगोल के बीज आवश्यक है, लेकिन मेरे आपसे एक राय है, बुवाई से पहले आपको उसके ऊपर बीज उपचार भी करना है, यानी बाविस्टिंग लगभग 2 से 2.5 ग्राम 1 किलो बीज के ऊपर हल्का सा आप छिड़क देते हो, उसका कोटिंग लगाते हो और उसके बाद में अगर आप उसकी बुवाई करते हो तो मिट्टी में शुरुआती अवस्था में आने वाले जो भी कवक जनित रोग है उसका नियंत्रण बहुत ही अच्छे तरह से की जाता है। किसान भाइयों, बुवाई की विधि अगर देखें तो काफ़ी सारे किसान अब सीड ड्रिल की मदद से इसकी बुवाई करते हैं। अगर आप सीड ड्रिल से बुवाई करते हो तो कतार से कतार की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच में रखनी है। किसान भाइयों, खाद और उर्वरक के बारे में बताएं तो इसबगोल की खेती में ज़्यादा उर्वरक डालने की यानी बाहर से उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी शुरुआती बेसल डोज अगर हम देखें तो यूरिया 25 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 65 किलोग्राम, MOP 20 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम और नीम के 50 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए मिट्टी में मिला दीजिए, बुआई कीजिए। फसल को पहला पानी देने के बाद हमें 20 किलोग्राम यूरिया और पी जाइम ग्रैन्यूल्स हमें 10 किलोग्राम 1 एकड़ खेती में मिलाने हैं और उसके बाद में आपके अल्टरनेट जो भी पानी है देने हैं। किसान भाइयों, ज़्यादा उर्वरक ना दें, मेरी आपसे एक राय है कि जो भी उर्वरक प्रबंधन है वो मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर करें, जिसकी वजह से आपको काफ़ी कम मात्रा में उर्वरक लगेंगे और आपका खर्चा भी बच जाएगा। सिंचाई की बात करें तो किसान भाइयों, इसबगोल को लगभग 2 से 3 पानी देने की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिन के बाद, दूसरी 50 से 60 दिन के बाद और तीसरी 80 दिनों के बाद हमें करनी आवश्यक है। अब बात करते हैं इसबगोल की फसल के ऊपर आने वाले रोग के बारे में। प्रमुख रोग अगर देखें तो सिर्फ डाउनी मिल्ड्यू हमें ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है।
अगर ये रोग आपकी फसल के ऊपर आता है तो इसके नियंत्रण के लिए आपको मैं दो कवकनाशी सजेस्ट करूंगा, जिसमें से पहला है यूपीएल कंपनी का सांप। 350 से लेकर 400 ग्राम पर 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ फसल के लिए आप इसका छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर दूसरे नंबर पे आता है धानुका कंपनी का गोडीवा सुपर, जिसे आप 200 ml पर 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ खेती के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद ज़्यादा रोग आपकी फसल के ऊपर दिखाई नहीं देंगे। किसान भाइयों, कीट की बात करें तो सबसे मेजर होता है माहू कीट। माहू कीट के नियंत्रण के लिए भी मैं आपको दो कीटनाशी सजेस्ट करूंगा। पहले नंबर पे आता है बायर कंपनी का कॉन्फिडोर, 60 ml ले लें, 200 लीटर पानी मिलाए और 1 एकड़ खेती के ऊपर इसका छिड़काव के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर हमें इसके अलावा दूसरा कीटनाशी देखना है तो यूपीएल कंपनी का उलाला कीटनाशी बहुत ही अच्छा है। 60 ग्राम वो भी ले सकते हो, 200 लीटर पानी मिला सकते हो और 1 एकड़ खेती के ऊपर आप इसका छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से किसान भाइयों, आप शुरुआत से लेके सारी चीज़ें सही तरीके से उचित एडवाइजरी के तौर पर इसबगोल की खेती में करते हो तो बीजों का औसतन जो उत्पादन है, जो पैदावार है, वो 360 से लेके 600 किलो प्रति एकड़ है। और अगर भूसी का पैदावार देखें तो वो 90 से लेके 150 किलो प्रति एकड़ है। किसान भाइयों, ये थी इसबगोल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा आपको इसबगोल के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं, उसका भी जवाब हम आपको कमेंट्स बॉक्स में देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अब तक के लिए ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, सही था नहीं था, या फिर आपके जो भी सुझाव है हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक्स कमेंट शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक नहीं किया है तो किसान भाइयों अभी करें और अपने किसान भाइयों को भी बोले धन्यवाद।